के नीचे नहर गया हुआ है, ऊपर रोड है और नीचे आपको नहर दिखाई देगा। ये देखिए हल्का हल्का पानी दिखिए, देखिए नदी। ये देखो हिरन, हिरन बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं आजकल, लेकिन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्याप ड्राइंग ब्लॉग से। फ्रेंड्स अभी हम जारी बाजार में और हम लोग जा रहे हैं कोराव जा रहे हैं और यहाँ से हम लोग पानी ले रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स लगभग 40 किलोमीटर आए हुए हम लोग 40 किलोमीटर आ चुके हैं, अभी लगभग 50 किलोमीटर और जाना है। सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं टोंस नदी के पास, जो उत्तर प्रदेश का काफ़ी पुराना पुल है। और फ्रेंड्स मैं यहां पे आपको टोंस नदी का कुछ नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूं। और ये है आपका ब्रिज, यहां से गाड़ी वगैरह जाती है और वो जो है नया पुल अभी निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये पुल काफ़ी पुराना हो गया है और नया पुल उस साइड बन रहा है। और यहाँ पे पानी का जो बहाव लहरें आप देख रहे हैं कि खिंचाव बह रही है, और यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी मतलब सुगंधित मिट्टी है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वहाँ भी देखो लोग स्नान भी कर रहे हैं। और यहाँ पे मतलब दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पे जो है ज़मीन ज़्यादातर पथरीली है, क्योंकि हम लोग यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर की तरफ हैं, तो यहाँ पे जो भी ज़मीनें मिलेंगी सारी की सारी पथरीली मिलेंगी। ये देखिए वहाँ पे पत्थर दिख रहा है थोड़ा सा। अभी हम लोग दोस्तों आ चुके हैं लगभग 35 किलोमीटर और जाना है। पल्सर से हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं और आपको इस साइड भी कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। ओहो वाह, ये देखिए फ्रेंड्स इस साइड तो कुछ अलग ही नज़ारा है, पानी का बहाव कितना तेज़ी के साथ है। ये देखिए कितना तेज पानी का बहाव है दोस्तों। ये है टोंस नदी, टोंस नदी बहुत ही प्रचलित बहुत ही मतलब पुराना पुल है, पुल बना है टोंस नदी पर। ये देखिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो सामने आपको कुछ सामने अगर आप देख सकते हैं पहाड़ जैसा दिखाई होता होगा, वो मतलब फ्रेंड्स पहाड़ है। यहाँ से शुरू करें पूरा वहाँ तक पूरा मतलब पहाड़ ही पहाड़ है, लेकिन यहाँ से दिख रहा है लेकिन काफ़ी दूर है। और ये देखिए आप वहाँ से नदी का किस हिसाब से बहाव है, किस हिसाब से वहाँ पर मोड़ है, आप आगे आप देख सकते हैं। और उसी के आगे देखिए आपको पहाड़ हल्का हल्का दिखाई देता होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये सड़क वाला रोड, ये रोड जो आप देख रहे हैं इसके नीचे नहर गया हुआ है, ऊपर रोड है और नीचे आपको नहर दिखाई देगा। ये देखिए हल्का हल्का पानी दिख रहा है आपको, और इसी के अंदर फ्रेंड्स लोग मछली भी मार रहे हैं। और ये फ्रेंड्स थोड़ा अजीब हो गया कि ऊपर से रोड और अंदर से जो है आपको नहर मिलेगा और इसके नीचे जो है नदी, ये देखिए नदी। तो दोस्तों जो नहर थी, जो मैं आपको बताया कि जो टोंस नदी पे बना हुआ पुल है सबसे पुराना, उस पे जो बीच में सड़क है और उसके नीचे नहर है, उसके नीचे नदी। तो मैं फ्रेंड जैसे ही आगे आया यहाँ पे जो है नहर जो है हमें दिखाई पड़ गया, तो वहाँ का कुछ वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है यही नहर है जो मैं आपको बताया था कि वो जो टोंस नदी पर बना हुआ पुल देख रहे हैं, ऊपर से यातायात पुल है सड़क और नीचे से जो है नहर है और पानी वगैरह यहाँ से गांव की तरफ इस साइड से उस साइड जाता है। सड़क और नहर के नीचे आपको ये टोंस नदी मिलेगा। ये देखिए काफ़ी चौड़ाई इसका फ्रेंड बहुत ज़्यादा है, टोंस नदी का बहुत ज़्यादा चौड़ा है और यहाँ पे किसान जो खेती वगैरह किए हुए हैं। और ये देखिए ये काफ़ी फ्रेंड्स मैं पहली बार ऐसा दिखला है कि बीच में से नहर गया है, नदी के और सड़क के बीच में से नहर गया है, जबकि ये जो नहर देख रहे हैं वो अटैच है सड़क में, बीच में से ऐसा पिलर बना के उसमें बनाए हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों आप मैं आपको ये ब्रिज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रिज देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर से ब्रिज और यहाँ पे जो बीच में थोड़ा गैप दिए हुए हैं पिलर और ये बीच में गैप दिए है, उसी के अंदर से नहर गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये
ऊपर सड़क और पिलर के और सड़क के बीच में जो गैप है उसी में नहर गया है। और ये तो ये देखिए दोस्तों, मैं हूँ इस समय कुराव तहसील में है और वहाँ पे आप सामने देख सकते हैं हिरण के हिसाब से, मतलब चार पांच हिरण आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस एरिया में आप ज़्यादातर हिरण देखने को मिलेंगे। और जो ज़मीनें रहेंगी, ये देखिए जो ज़मीन है यहाँ पे जो है वो पथरीली ज़मीन मिलेगी। ये देखिए जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ये ज़मीन यहाँ पर पथरीली और लाल मिट्टी मिलेगी। और हमारे यहाँ की मिट्टी जो है वो काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी होती है, और यहाँ पर ये पथरीली ज़मीन ज़्यादातर मिलेगी और लाल मिट्टी मिलेगी। वो देखिए हिरन जा रहे हैं वहाँ पे, ये देखो हिरन, हिरन बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं आजकल। लेकिन ये ऐसा एरिया है जो पथरीली ज़मीन है तो यहाँ पे हिरन अक्सर देखने को मिलते हैं। ये देखिए बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग हैं इस समय कोराव तहसील में और यहाँ का एरिया आप लोग देखेंगे तो मतलब ऐसी एरिया है यहाँ पे, मतलब दूर दूर तक कोई गांव नहीं, और हिरण भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पास में ही हिरण का एक वो है, काफ़ी सारे हिरण पालते हैं वहाँ पे। और ये देखिए आप एरिया पूरा देख सकते हैं, पूरी पथरीली एरिया, पूरी पथरीली, और वहाँ पर थोड़ी जोतास ज़मीन है, वहाँ पर जोता हुआ है ज़मीन। और यहाँ पर देखो दूर दूर तक आपको कुछ नहीं, सिर्फ पत्थर और यही जंगल वंगल सिर्फ मिलेंगे। और गांव एकाक ऐसे घर आप देखेंगे तो वहाँ एक घर वहाँ पे, एक घर वहाँ पे, मतलब ज़्यादा गांव ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि गांव की बस्ती हो, एक एक घर ऐसी आपको देखने को मिलेंगे, बाकी कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे। और एरिया तो दोस्तों काफ़ी पसंद आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा एरिया में ऐसे एरिया में पहली बार आ रहा हूँ और पथरीली ज़मीन पहली बार देख रहा हूँ तो। और इस पर ड्राइविंग करने भी काफ़ी थोड़ा अलग सा फील हो रहा है, अलग सा महसूस हो रहा है, मतलब एक समझो कि एक्सपीरियंस हो जा रहा है पथरीली ज़मीन पर ड्राइविंग करना। ये देखो और पानी देख लो यहाँ का कितना स्वास्थ्य साफ पानी है, ये देखो फ्रेंड्स पानी कितना साफ है। और ये जो मिट्टी देख रहे हैं आप, ये लाल मिट्टी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के सबकी। क्षेत्र में बहरैचा गांव में है और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, खाद पे और चाय पानी वगैरह हो गया। और यहाँ पे दोस्तों मेन आने का उद्देश्य ये था कि हम लोग वहाँ से यहाँ पे लगभग 10 बीघा तक हम लोग सरसों की खेती करने वाले हैं। उस हिसाब से हम लोग देखिए गाड़ी पे सरसों लेकर आए हैं और आगे खेत है, खेत भी आप लोग को दिखाएंगे। वहाँ पे हम लोग 10 बीघे की खेती करेंगे। तो यहाँ पे मतलब कि ये एरिया जो है, इस एरिया में लोग मतलब गांव में बीच में गांव है, लेकिन यहाँ पे आने जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बताने वाले बताते हैं कि जो बच्चे हैं लगभग 500-600 बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं यहाँ पे रोड की वजह से, क्योंकि यहाँ सामने इस साइड नदी है और ये जो आप देख रहे हैं ये आगे जाके नदी के पास बस रुक गया है। अगर नदी पे एक पुल बन जाए तो वो यहाँ से लोगों के लिए आने जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, और जो बच्चे हैं रेगुलर स्कूल भी जा सकते हैं। तो ये दोस्तों लोग थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ के मेन प्रधान है, प्रधान को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर किस मार्ग पर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। यही है दोस्तों यहाँ का कुछ सीन, और यहाँ पे मैं आपको दिखा कैसा कैसा एरिया में हम लोग वहाँ पे ट्रैवल करके आए हैं। और यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि
किसानों को काफ़ी दिक्कत होती है, बच्चों को भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पहुँचाइए वहाँ तक जहाँ पहुँचाना चाहते हैं। ओके, यहाँ है हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। छिप छिपाए ऐसी जीत हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम न आए 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 हम न आए ऐसी।